सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कहते हैं हर एक व्यक्ति को चंदन और चोटी तो जरूर रखना चाहिए। सिखा माताओं के तो चोटी है ही, लेकिन आप लोग का भी चोटी होना चाहिए, सिखा होना चाहिए थोड़ा सा। क्यों होना चाहिए? देखिए, अगर हम चंदन लगा करके चलते हैं तो नेगेटिव एनर्जी हमें टच नहीं कर सकता। एक तो भगवान के चंदन प्रसाद रूप में लगाना चाहिए, और दूसरी बात, अगर हम चंदन लगाते हैं, कोई भी तिलक लगाते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी हमें, नकारात्मक ऊर्जा हमें छू नहीं सकता। और सिखा रखने से हमारे दिमाग बहुत तेज चलता है, हाँ कि ना? आपने सुना होगा बुजुर्गों के मुख से, सुना है कि नहीं? बोलो ना, नहीं सुना? अब आजकल के लोग बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए, तो क्यों रखेंगे सिखा, है ना? अच्छा, पहले पहले के जमाने में एक टीवी होता था, और पहले जमाने में हमारे भी दादा लोगों की टाइम में रेडियो हुआ करता था, देखा है आपने? उसमें एक डंडा होता है, उसको खींचते हैं तो वो रेडियो चालू होता है। और टीवी में भी आजकल के तरह नहीं, पहले तो एंटीना जब उसको मिलाया करते थे ना, तब जा करके पूरे परिवार बैठ करके अच्छे से टीवी देख सकते थे, ब्लैक एंड व्हाइट। प्यार से बोलो, जब वो एंटीना को खड़ा करते हैं, एंटीना रखते हैं, उसको मिलाते हैं, तो टीवी सही पिक्चर दिखाता है। उसी प्रकार हम भी अगर सिखा को रखते हैं, एंटीना को रखते हैं, तो दिमाग बहुत तेज चलेगा। आप लोग कोशिश करके देखिएगा, प्यार से बोल दीजिए ना।